दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है और आपने उसको फाइनेंस पर लिया है तो उसकी किस्तों को लेकर आप परेशान रहते होंगे जनसेवा के अंदर सी एस पर जाकर वो किस्त पे करते होंगे जहां पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता होगा लेकिन आज की वीडियो हम आपको बता दें देंगे किस तरह से आप फोन पे पेटीएम गूगल पे से अपने घर बैठे आसानी से इन किस्तों को पे, पे कर सकते हैं सबसे पहले आपको ये डी नंबर जहाँ पर मेरी उंगली है इसको उतार लेना है पूरे नंबर को आप एक कॉपी में उतार लीजिए और इसके बाद आप जो फ़ोन पे अपना गूगल पे उसको ओपन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में जाकर जैसे मान लो हमको ये फ़ोनपे से किस्त पे नहीं या फोन पे चलाते हो तो हम फोन पे से बता देते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो करेगा लोन रीपेमेंट का अब इस पर क्लिक कीजिए और अपनी जो फाइनेंस कंपनी है उसको चुनेंगे जैसे यहाँ पर DMI फाइनेंस कंपनी सैमसंग के अक्षर होती हैं तो DMI फाइनेंस को चुनेंगे यहाँ पर उसका लोन नंबर जो मैंने उतरवाया था उसको यहां पर फिल करेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं आपका पूरा चार्ज यहाँ पर लिख कर आ जाता है तेरह सौ आपको जैसे जमा करना है इस फ़ोन के फाइनेंस के आपका कुछ और होगा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट से उस चार्ज को कटवा सकते हैं आसानी से कटवाने के बाद आपकी किस्त आसानी से भर जाती है आपको कुछ भी नहीं करना होता आइए आप पेटीएम के माध्यम से आपको समझा देते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में पे का यूज़ करते हैं इसके बाद आप इसको लोग खोलेंगे और पे टी एम के यहाँ पर जो डैशबोर्ड वो आ जाएगा इसके बाद आपको लोन पेमेंट पर लोन पेमेंट की सर्विस चूज़ कर लेनी है जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया करने के बाद दोस्तों वही वाला नंबर जो मैंने आपको लिखवाया था वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा सबसे पहले अपनी कंपनी चूज़ करनी होगी किस कंपनी से आपने फाइनेंस पर मोबाइल ले रखा है जैसे हमने डी एम फाइनेंस से ले रखा इसके बाद ऊपर वाली पे आप पूरी किस्त पे कर सकते हैं नीचे वाले पे टोटल अमाउंट पे कर सकते हैं हमको किस्त पे करनी है तो पे ई अमाउंट पर क्लिक करेंगे अपना डी नंबर डालेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं व्यू डिटेल पर जाकर आप देख सकते हैं किसके नाम पर यह फ़ोन है और यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है जिसको आपको अप्लाई करना है कैशबैक के लिए कर सकते हैं अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर आप अपनी बैंक से अपना जो चार्ज है वो कटवा देंगे जैसे हमने इसको हाइट कर रखा है चार्ज काटने तक चार काटने के बाद एक स्लिप जनरेट हो जाएगी आपकी पीडीएफ में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की और नहीं तो आप ट्रांजैक्शन के नीचे भी इस किस्त को आप पा सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड स्लिप पर क्लिक कर इसके बाद अगर आपने किसी की पे करी है तो आप उसको भेज सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीन दिन आ रहे थे अब तैंतीस दिन के बाद आपको अगली किस्त पे करनी है और आपकी जो किस्त है सक्सेसफुली यहाँ पर फिल हो चुकी है और दिसंबर तक आपको कोई किस्त पे नहीं करनी है दिसंबर के बाद ही करनी है अगर आपका ये अपडेट नहीं हुआ है तो डाटा खोलकर अपने फ़ोन का रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे आपकी किस्त अपडेट हो जाएगी आशा करता हूं वीडियो समझ आई होगी नहीं समझ हो तो कमेंट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए इस वीडियो